हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी एंड यू आर वाचिंग हार्ड ड्राइव्स। जैसे कि काफ़ी लोग क्वेश्चन आ रहे थे कि फॉग लैंप को कैसे चेंज करते हैं। देखिए, फॉग लैंप चेंज करने में बम्पर आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या होता है, कार में दो लॉक्स होते हैं जिसमें दो लॉक आप ओपन कर सकते हैं। कोई मैकेनिक इसे ओपन कर देगा, बस ये साइड से ओपन हो जाता है और बाकी और कुछ नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह के दो लॉक्स होते हैं जो कि आप स्क्रू ड्राइवर से कोई मैकेनिक निकाल देगा। ये निकल गए, बस सिंपल है। बाकी इसमें यहाँ तक कोई लॉक नहीं है। तो इसको करना क्या है, आपको किसी भी स्क्रू ड्राइवर से इसे ऐसे करके स्क्रू ड्राइवर से निकालने के बाद फिर आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं हैंड से। और हैंड जो है ये एक्सेसिबल हो गया। फॉग लैंप आप यहाँ से ऐसे करके एक हाथ से ऐसे टायर उधर को टर्न करके चेंज कर सकते हैं। कोई भी मैकेनिक चेंज कर देगा इसे। और बस ये याद रखिए कि जैसे इसे निकालना होता है तो ये सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज निकलता है। ऐसे पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज इसे टर्न कर दीजिए, ऐसे राइट को लेफ्ट को, को ड्राइवर साइड उधर का भी ऐसे ही और इधर का भी ऐसे, बहुत टाइट निकलेगा। जैसे को ड्राइवर साइड इसे ऐसे टर्न कीजिए और ये इसका जो है ये अडेप्टर है जो LED का, और ये इसका क्लिप है जो चेंज होता है। बस यहाँ से हार्ड होता है थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम ये निकलता है तो बड़ा हार्ड निकलता है। मैकेनिक से करा लीजिए और ये टायर को टर्न कर लीजिए, बस इतना ही है। और ये चेंज होके फिर क्लिप में लग जाएगा। ज़्यादा देर का काम नहीं है, 10-5 मिनट भी नहीं लगेंगे किसी मैकेनिक को करने के लिए। बस ये करने के बाद ये निकाल के ऐसे बाकी फिर ये बस हो गया। बाकी अब ये करके इस तरीके से ये जो क्लिप्स हैं ये आप लगा दीजिए, फॉग लैंप का बल्ब आपका चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।